हाँ मैडम जी, अभी अभी लो ना। ओ मैडम जी, अभी लो ना। Done. Thank you. Done. Thank you. Okay, we just finished the bike. All right. So, congratulations. Thank you. Thank you. So, now, आप लोग introduce करना चाहेंगे अगर कि हाँ. So. बोले. All right. So, आप लोग introduce करना चाहेंगे अगर ये मेरी लड़की है, हमारी लड़की है आइजा. Thank you. जो एक मिनट पहले ज़िदान से पैदा हुई. ज़िदान. ये ज़िदान है. Jiran ka matlab hai somebody who is successful and makes other people successful. Iska naam ka matlab hai. Aur iska blessing. So this is Jiran. Hello. Hi. Hello. They already want to take the mic and talk. Look. I think white dena hai, kuch kehna hai. I say you want to say something? Say mama. She's not interested in mama. She's for media. Say hi media. Hello. Welcome me to the world. All right, so kitna privilege moment hai hota hai ye aap logo ke liye and kya kuch yeah, kya feeling hai hal twins twins main bhi twin hu mere bhi twin bhai hai to ye matlab ha so same aur yes have a very privileged moment because the bachche aate hain fir maloom padta hai ki iska effect kya hai value ha and makes you realize more self value more mission in life. मतलब हम लोग को लगता है कि जिंदगी में बहुत प्यार कर लिया, शेयर कर लिया एंड दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन डू एंड देन यू गेट बेबीज एंड देन कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना और अपने दिल में और प्यार हो सकता है और सैक्रिफाइस हो सकता है और सब कुछ हो सकता है. गॉड नोज बीइंग अ मदर इज समथिंग डिफरेंट. यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. मोर मीनिंग इन लाइफ. हां देयर इज मोर मीनिंग डेफिनेटली एंड मोर हैप्पीनेस इन लाइफ. राइट. व्हाट हैपेंस इन लाइफ स्टेज इन लाइफ. ऑलराइट नाउ होल्ड फ्यू सेकंड्स. Thank you.
तो पीछे दिखी नहीं है वो रहा। अरे भाई कहाँ है वो, देखना माउस माउस में। अरे मगर ऐसे क्या समझ में आए, आएगा पता। इनको पीछे ले पिया, थोड़ा पीछे आ जाओ ना आप, पीछे होने सुन ना। अरे थोड़ा पीछे थोड़ा थोड़ा ये मुखड़ा दिखा दिए ना सर, क्या चेहरा दिखाओ। यस बस अभी लगा लो सर। नहीं नहीं अरे एक मिनट थोड़ा सा लगा लो सर। अरे विजुअल लेने हैं तो बाद में, इससे क्या होगा मुझे। सर एक मिनट। लेकिन भाई अपनी जो एक टीम होती है, एक आर्मी होती है, वो रेडी रखना, बिकॉज ट्विंस जो होते हैं ना वो आपकी बैंड बजा देंगे। आई से दे नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। सो केवी टीजी, आउट ऑफ एक्सपीरियंस क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे फॉर देयर पेरेंटहुड? आई थिंक यू नो ये नैनी नहीं चाहिए, यू नीड समवन हु कैन प्ले विद देम ऑल डे लॉन्ग, एवरी डे। मतलब एक्चुअली उनको हर सुबह से शाम तक, जैसे सुबह उठें उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट चालू होना चाहिए। तो जितने भी घर के मेंबर्स आप मिल सकते हैं, हो सकते हैं, आ जाओ घर पे, एंटरटेन करो। एंड नैनी हो तो ठीक है, बट एक्चुअली दे नीड पर्सनल अटेंशन, दैट्स व्हाट दे नीड। या सो केवी, यू आर आल्सो टू पेरेंट, तो क्या डूज एंड डोंट्स बताना चाहोगे उन दोनों को? आई वाज सेइंग डोंट कॉल देम द ट्विंस, हम कभी नहीं ऐसे करते। दे आर टू सेपरेट इंडिविजुअल्स, एग्जैक्टली सेपरेट पीपल। इनफैक्ट जो छोटी वाली है वियना, वो बड़ी को दीदी बुलाती है, बिकॉज एक मिनट का फर्क है। हमने स्पेशली ये किया है कि वो छोटी दीदी बुलाए, यू नो, सो दैट एक वो you don't become the twins, even though wo log twins hain, but they don't become the twins, yeah. You know, because wo twin bahut wo ajeeb sa ho jata hai. And also I think, you know, people say no, you shouldn't separate them, keep them together. Nahi nahi, hum alag bhi rakhte hain. You have to spend individual time with them, otherwise they will grow up. Aji touch ho gaya, lekin kuch nahi hoga. Are kya pata kisne muh mein dal diya ho mic. Sahi baat hai, huh?
भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा है आजकल सच में, देखो ये इसकी लड़कियों को कोई स्ट्रेस ही नहीं है। मैं बोले ना मैं मास्क पहनूंगी ना ग्लव्स पहनूंगी, कुछ भी नहीं, मैं तो सैनिटाइज भी कर रहा हूँ। किसी को चाहिए तो आप प्लीज, हाँ प्लीज, किसी को चाहिए I'm all prepared, man. Nice. Yeah. All right. Thank you so much, man. No, no, no. Please, I have this important question that is what like I wanted to ask you. How are you people taking precautions and coping up with this deadly virus? आप देख ही रहे हैं हम लोग कितना precaution ले रहे हैं, gloves पहने हुए, mask पहने हुए, Dettol sanitizer हाथ में। और basically मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हम बचपन में सीखते थे hygiene और cleanliness, जो कि आज corona virus का heat वापस touch हो गया। जो कोरोना वायरस की वजह से सडनली लोग बोल रहे हैं स्टे हेल्दी, बी क्लीन, बी यू नो हाइजीनिक, या दिस इज अ नॉर्मल एब्सोल्युटली मैन, ऑनेस्टली प्लीज, आई एम ग्लैड वी आर जस्ट डूइंग बेसिक थिंग्स, या सो डू द सेम थिंग, वॉश योर हैंड्स ऑफन, मेक योर चिल्ड्रन वॉश योर हैंड्स ऑफन, बिकॉज़ चिल्ड्रन टच वॉल्स, दे टच एवरीथिंग, एवरीथिंग। सो एंड आई वुड थिंक अनदर थिंग टू बी केयरफुल इज मनी, बिकॉज़ मनी गोस टू सो मेनी हैंड्स। सॉरी मैं तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स यूज करता हूं, और आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है हमारी। अपना फोन किसी को ना दे, ठीक है। और एक बहुत पुरानी कहावत है ऑनलाइन बैंकिंग और डेबिट, और पुरानी कहावत है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये हम बचपन में सीखे थे, याद है? तो नाउ अगर गॉड के पास नहीं जाना है तो बी क्लीन। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू गाइस। या कम इधर आ जाओ। ओए हाय, हेलो हेलो, आगे khushkhabri hai to you know it's a good news bless the kids and all the best to Arfin and Sara kyunki hamare paas do hai alag alag aaye the in log ke to saath mein aaye to maza alag hi hoga actually main Arfin Khan ki student hu and I'm a qualified life coach jo wo karte hain aur tab jab stage pe hame lecture de rahe the तब उन्होंने कहा कि जब सारा प्रेग्नेंट थी तब डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक ही बच्चा है, सो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ध्यान में आई एम श्योर आई हैव गॉट ट्विन्स, एंड देन व्हेन शी वेंट फॉर द सेकंड चेकअप दैट्स व्हेन दे गॉट द गुड न्यूज़ दैट इट्स ट्विन्स, एंड यू नो वन बॉय वन गर्ल, सो परफेक्ट, मतलब फैमिली पूरी हो गई एक ही शॉट में। आई विश वी ऑल हैड दैट चांस। आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, मेकअप की और कल कोई नहीं आता ना तुम लोगों से, बुलाया नहीं, भगा दी सबको। पढ़ा तुमने वो लड़की कैसे भाग गई, आगरा पहुंच गई वो, बेंगलुरु, थप्पड़ मारूंगी मैं उसको। ये तो होते हैं इंडियंस, जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल। मैडम जी आपको आना, नहीं नहीं, ओके ऑलराइट। हाला जी सबसे पहले तो क्या क्या हो,
तुम मुजफ्फर क्या विश करना चाहेंगे आप अपने अंदाज में सारा ट्विंस? मैं अपने अंदाज में, मेरा एक बहुत बहुत सिंपल अंदाज है यार, मैं तो बच्चों को जाकर मतलब छूना चाहती हूँ, लेकिन आज शायद नहीं करूँगी, तो मैं दूसरे ही अपने पुराने अंदाज में उनको हाई हेलो करके निकल जाऊँगी। ऐसे कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे ऐसे सेफ रहे बच्चों को कैसे ध्यान रखें? आई डोंट नो आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन मेरे 3 साल का नेफ्यू है, पैदा होते ही मेरे हाथ में आ गया था। आधे टाइम मेरी बहन ने मुझे को जगा के रखा था जब वो उसको फीडिंग करती थी, तो या तो मुझे काफ़ी मतलब मेरे सब फ्रेंड्स के पास बच्चे हैं, मैं बच्चों के साथ ही आई थिंक अब पल बढ़ रही हूँ तो मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं एंड खुद के नहीं है लेकिन सबके हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। पर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा लोगों को अपना डिस्टेंस रखना चाहिए बच्चों से, बिकॉज इट्स नॉट नाइस कि आप बच्चों को जाकर आके गले लगा लें। आई थिंक अब्रॉड पीपल आर रियली केयरफुल। इनफैक्ट जब मैं US में थी, आई रिमेंबर कि मैं जाकर एक बार एक बच्चे से जाकर सो क्यूट कर दिया, शुरू कर दिया, उसके पेरेंट्स ने मुझे जिस तरह लुक दिया लाइक इतने मुझे ऐसा क्यों लुक दिया, देन आई रियलाइज कि हर जगह इंडिया की तरह नहीं होता है जहाँ पर आप किसी के बच्चे को भी जाकर छू सकते हैं। पीपल लाइक एवरीबडी सैनिटाइज कि हाथ उनके सैनिटाइज होने चाहिए, कि मतलब जाकर बस आप उनको किसी ना कर दें, उनको हग ही ना कर दें, सब बच्चों को पसंद है, बट यू शुड नॉट डू दैट। एंड जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि आप बहुत ही प्रिकॉशन लेती हैं, और जैसा कि बात की कि लोग ट्रेन से भाग जाते हैं तो पढ़े लिखे जाने की बात की, तो ज़रा कुछ बताना चाहेंगे लोग को, लोगों के हालांकि गवर्नमेंट अवेयरनेस की बात कर रही है, गवर्नमेंट की मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर लोग ही इतने पढ़े लिखे जाहिलों की तरह बिहेव करेंगे? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और ये वायरस कोई छोटा सा वायरस नहीं है, WHO ने उसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया है, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ज़रा सा भी खराश है, आपको गले में तकलीफ है, अगर आपको जुकाम वुकाम हो रहा है तो आप अपने रूम के अंदर बैठिए, ये भी नहीं अपने रूम से बाहर जाइए, आप अंदर चीज़ें स्लाइड इन एंड स्लाइड आउट कर सकते हैं। आई थिंक सेल्फ क्वारंटाइनिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पढ़े लिखे जाहिल हैं, और जाहिलों की कोई जगह वैल्यू नहीं होता, क्योंकि आप एक बंदा 4 लोगों को और देगा, वो 4 लोग 10 लोगों को और देंगे, और इसी तरह एक पैंडेमिक फैलता है। सो इट्स जस्ट बेस्ट टू लाइक नॉट शेक हैंड्स, नॉट टू हग पीपल, भागिए मत ट्रेन के अंदर, ट्रेन में लोगों को प्लीज़ ये मत करिए, वहाँ पर वृद्ध इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं, बुज़ुर्गों को बहुत आसानी से ये डिज़ीज़ हो सकता है, और ये बहुत जानलेवा है, और काफ़ी बुज़ुर्ग मर भी रहे हैं। तो आई रियली थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वन शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ, दे शुड रियली थिंक अबाउट द एंटायर world right now. Har koi bol raha hai ji, thank you so much, thank you, I love you crazy, I love you. The girl can't stay put, she has to keep moving, he's chilled out, yeah, he's like just looking at it like a half moon star. Yes, what are you saying? That's really nice because having a twin sister take time to grow, but with yeah, other but yeah, but हमारे साथ भी इसी वजह का तो उनके लिए they don't have to pay so much attention because they will be friends. और लास्टली मिसाला जी, आई नो बच्चों में आप अभी भी व्यस्त हैं, लाइक इंटरव्यू के दौरान भी आप, सिटीज आर आल्सो लाइक इक्वली डिवाइडेड, व्हाट डू यू हैव टू से ओवर? सी आई कैन मैं सब कुछ कर सकता हूं, खाली मुझे नैपीज नहीं आती, अदरवाइज आई कैन डू एवरीथिंग, लवली एवरीथिंग, ब्लेस या ही हैज, इसने किया है, बिकॉज़ लंदन में वी डोंट हैव एज मच हेल्प, लंदन में वी डोंट हैव लाइक, अगर जितना पैसा भी भरो यू विल नॉट गेट प्रॉपर 24 आवर्स हेल्प, यहाँ पे ब्लेसिंग है, हम इंडिया में हैं क्योंकि 24 घंटे नानी है, नाइट नर्स है, कुक है, ड्राइवर, यू गॉट एवरीथिंग, यू कैन एक्चुअली एंजॉय योर टाइम विद द बेबीज, तो दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग वी हैव, आज के मतलब की जलाई है। Hi. She never actually cried. Yeah. So, I mean, teething याद आ रहा है once in a while. Surely, Bubby. I'm surely Izzy. Yeah. Izzy, my prize. You are my prize.
she loves all this. Full time entertainment chahiye. Yes, I know. Yes, tell them. Wow. Yeah. Bye. Bye. Bye.